तो लो, मैंने आपकी क्लास शुरू कर दी और मैं आ गया आपकी क्लास को लेकर के, ये झिलमिल सितारों का आंगन, और ये रही आपकी क्लास जुनून सरकारी नौकरी का। पीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीडीएस, डीएसएसबी, टेट, एसएससी और एनडीए के लिए ये बिस्वानी क्लासेस हैं, और इन सभी के जरिए आपको इसमें एक नाम और जल्दी शामिल होने वाला है, पेट का। अब ये पेट भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि एसएससी की जगह और जितनी भी आपकी ये क्लर्क लेवल की जितनी भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उन सब में पेट के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो जल्दी ही इसमें पेट शामिल होगा, और पेट के लिए हम जल्दी ही कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लिटरेचर के एमसीक्यूज का ये टर्न है, और सेट 6 हमारा चल रहा था, और कितने सारे क्वेश्चंस कर चुके थे हम ये देखेंगे, और फिर फट से आगे बढ़ जाएंगे। मेरे ख्याल से 35 क्वेश्चंस हो चुके थे, बिल्कुल 35 क्वेश्चंस हो चुके थे, और हम 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 में। मैं देख लूं आप लोग आ गए हैं कि नहीं। बिल्कुल आ गए हैं आप लोग, और मेरे ख्याल से आप लोग देख भी रहे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग मनोज भैया, प्रियंका, हिमानी, कविता, ये सभी को गुड मॉर्निंग। परमजीत भैया हमारे, वंदना मिश्रा, ठीक है ना, सभी लोग आ जाइए और फटाफट कहानी को अपनी हम शुरू करते हैं। तो चलें शुरू करें कहानी को। जी बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम 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 आप सभी का। महजबी आ जाओ बेटा, आज सुबह की क्लास में आप नहीं दिखी थी हमको, चलिए कोई बात नहीं, चलिए फटाफट आंसर देना शुरू करिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, समय आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, और चलते हैं आंसर देना शुरू करते हैं। एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल इज रिटन बाय, एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल इज रिटन बाय, ये क्वेश्चन कल हो गया था क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मीना की तरफ से सबको गुड मॉर्निंग, फटाफट आ जाइए और क्लास शुरू करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करिए। क्या आप तक क्लास अभी पहुंची नहीं है? क्लास क्यों नहीं पहुंच रही? सब कुछ तो ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल, पहला क्वेश्चन है ये, कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा, क्योंकि मेरे मोबाइल में चल नहीं रहा है। और आप लोग तो देख रहे हैं, क्या मेरी आवाज और विजिबिलिटी है? बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं आपको, आपको तो दिख रहा हूं क्योंकि डीएम फोस्टर आप लगा रहे हैं आंसर, लेकिन मेरा मोबाइल कह रहा है कि मैं नहीं चलूंगा। ऐसा कारण क्या है भाई? डेटा भी ऑन है, वाईफाई भी चल रही है, मोबाइल मेरा क्यों धोखा दे रहा है? मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ भाई। चलो ठीक है, लो एक बार रिफ्रेश कर दिया मैंने, सीधे आपके लिंक से आ जाता हूँ। हाँ मैं तो दिख रहा हूँ, मैं मुझे दिख नहीं रहा था, बिस ऑल क्लियर है, बिल्कुल देखो बेटा। तो चलो, एस्पेक्ट ऑफ नॉवल इज रिटन बाय, आपने उत्तर दिया है इसमें बिल्कुल फोस्टर, फ्रॉस्टर का उत्तर दे रहे हैं आप, 36 का फ्रॉस्टर, और बिल्कुल ही हम फ्रॉस्टर की ही लिखी हुई है ये वन लाइनर्स की तरह आप बेटा नोट करते जाए इनको, इनको आप वन लाइनर की तरह नोट करते जाए, ये क्वेश्चन जो है आप बेहतरीन तरीके से नोट करें, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है आपका। तो डेविड सेल नहीं, सेसिल नहीं, वॉल्टर एलन नहीं, ये है एम फ्रॉस्ट, यही है हमारे वो पुरोधा जिन्होंने एस्पेक्ट ऑफ टू नॉवेल्स लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द वे, आ गया अगला क्वेश्चन, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में डायरी ऑफ एन फ्रैंक लिखी है? जर्मन, डच, रशियन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे नोट कर लेना आप। पहले ही क्वेश्चन में क्या हो गया मंजूर भैया? राजीव कुमार ने डी उत्तर दिया है। हाँ नोट नहीं करोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, मार्केट में हो। चलो ठीक है प्रियंका बेटा, कोई बात नहीं, मार्केट में ज्यादा नहीं टाइम बिताओ, चुपचाप घर जाओ बेटे, इट्स टू डेंजरस आउट ऑफ द हाउस नाउ, जरूरी हो जाना ही पड़े तो जाके तुरंत वापस आ जाओ बस।
इंग्लिश लैंग्वेज में कविता जी ने जवाब दिया, अशोक भैया ने कहा ओके, तो कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, तो मैं ओके को क्या समझूं, सब ओके नहीं, ये डच लैंग्वेज में, इन डच लैंग्वेज, ध्यान से, डच लैंग्वेज में, ठीक है ना, डच लैंग्वेज, यानी बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय पैथोस और कैथारसिस, क्या है ये दोनों, पैथोस और कैथारसिस, ये क्या है, आपको ये पढ़े हुए वर्ड लग रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय पैथोस और कैथारसिस। हाँ बिल्कुल बेटा, इन्वर्जन की मोनिका, बहुत जल्दी बेहतरीन क्लास होने वाली, बहुत जल्दी, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, इन्वर्जन की बहुत जल्दी क्लास होने वाली बेटा, बहुत खतरनाक तरीके से, आप बिल्कुल टेंशन ना लो उसकी, ठीक है ना, बहुत जल्दी इन्वर्जन की क्लास होने वाली। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोस और कैथारसिस, उत्तर आपका चाहिए डी, अराउज ऑफ पिटी एंड फियर, यस, कैथारसिस का मतलब तो यही होता है, और पैथोस आप जानते हो क्या होता है, पता उसका मतलब दुख दर्द है ना, थोड़ा सा जो निराशा की बातें हैं, तो जब आपको किसी नाटक को देखकर, अमिताभ बच्चन को शोले पिक्चर में मरते हुए देखकर आप आंसू बहाते हुए बाहर निकलते हैं हॉल से, इसी को हम कैथारसिस कहते हैं, मीन्स सीन को देखकर उसकी हंसी, उसके दुख, करेक्टर के दुख और हंसी खुशी में शामिल हो जाए आप, दैट मीन्स पैथोस और कैथारसिस। वेरी गुड आंसर आपका, बहुत बढ़िया आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमियो एंड जूलियट इज एन कॉमेडी थी, मेलोड्रामा थी, प्ले, क्वेश्चन ये आसान है आपके लिए क्योंकि आपका लेवल बहुत हाई है, मैं जानता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एज वेल, इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना ये आसान है बेटा, उतना ही इंपॉर्टेंट, आप भूल जाइए कि क्वेश्चन आसान है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं। राजीव भैया ने हमारे डी कहा है, ये ट्रेजिडी है, प्ले का मेलोड्रामा है, कॉमेडी है, ये क्या है, देखिए इसमें सब कुछ होता है, कॉमेडी है, रोमांस है, सब कुछ, ये अंत में रोमियो और जूलियट का मर जाना इसे ट्रेजिडी बनाता है, वास्तव में तो ये रोमांस लिखा जाता है, रोमांस, और पूरा नाटक आप देखते समय, ड्रामा पढ़ते या सुनते देखते समय आपको यही देखते हैं, लैला मजनू की कहानी देख रहे हैं, तो लैला मजनू की कहानी रोमांस से भरी हुई है, लेकिन जब लास्ट में लैला और मजनू, हीरो और रांझा दोनों मर जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है बेटा, तो ट्रेजेडी बन जाती है, जिसमें हमारे प्रोटोगोनिस्ट डेथ हो जाती, डाई डाई डाइड हो जाते हैं, डेथ हो जाती है जिनकी, तो उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत बढ़िया, हु इज द ऑथर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए और टीजीटी के लिए भी एज वेल, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामा, सॉल बेलो, सिगमंड फ्रूड, सैमुअल बटलर, सैमुअल बेकेट, ये कौन कौन है, सॉल बेलो, सिगमंड फ्रूड, सैमुअल बटलर, सैमुअल बेकेट, बोलो बेटा, सैमुअल बकेट का है क्या ये इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामा, 40 नंबर क्वेश्चन, हाँ सौदागर, और बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 सही है, वैसे ही बेटा, बिल्कुल वैसे ही है, दिलीप कुमार और राजकुमार की पिक्चर सौदागर है ना, सनम बेवफा है ना, सनम बेवफा सलमान खान की, ये बिल्कुल उसी तरह से बनी, जैसे हीरे रांझा है अनिल कपूर की, एक एक राजकुमार की है, राजकुमार वाली बहुत वो क्लास है बिल्कुल, हर डायलॉग कविता में, बकेट उत्तर दिया आपने, डी उत्तर दिया है 540 का, नहीं, ये सिगमन सिगमन फ्रूड है, साइमन फ्रूड भी इनको कहते हैं, सिगमन फ्रूड, यही है, डी नहीं है, ये डी नहीं है, ये बी है बेटा, बी, सेकंड सेकंड बी है बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामा,
इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामा का क्वेश्चन मेरे पास तो भी लगा है, अगर आप लोगों को कोई शंका है तो चेक कर लूंगा मैं, वैसे मैंने चेक किए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, कहीं आपको डाउट लग रहा है अगर तो देख के हमको बताइएगा तो करेक्शन कर लिया जाएगा, नहीं मेरे ख्याल से तो ये बी ही है, सिगमंड फ्रूड की लिखी हुई इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामा। और अगर आपको कहीं डाउट लगेगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे, क्योंकि डाउट नहीं दिमाग में रखना। हाँ बिल्कुल ये बी ही है, बहुत बढ़िया, सब सहमत है। मैं चेक देखा ना, ये कंपटीशन है, कंपटीशन में चेकिंग बहुत जरूरी है, हर तथ्य की चेकिंग बहुत जरूरी है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जिस पर मूवी बनी हुई है, मूवीज बनी है, और मैंने पांचों पार्ट्स उसके देखे, 5 पार्ट 2 टाइम्स देखे, 5 पार्ट्स, लॉकडाउन में यही सब देखा मैंने, पिछली बार लॉकडाउन में फंसा था, ठीक है ना, तो वहां ऐसी जगह फंसा था जहां पे मुझे पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी मेरे पास, टूटा फूटा प्रयास मैंने किया था मोबाइल से लेकिन वो नहीं पाया था, तो मैं सब वेब सीरीज निपटाया था, ड्रामा और ये पिक्चर्स और मूवी। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ये किसकी लिखी हुई है? बोलो बेटा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज रिटन बाय 541, 541 क्वेश्चन नंबर, कोई उत्तर देगा भला? अरे रुडियार किपलिंग की? नहीं, रोनाल्ड रूल, यस बेटा यही है मंजूर बेटा, रोनाल्ड रूल टॉलकिन यही है बेटा, यही है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा लाइक के लिए जब तक कोई कहे ना कि भैया लाइक कर दो तब तक करोगे नहीं ना, ये तो पक्का है, लाइक तब तक नहीं करते आप लोग जब तक कोई कहे ना भैया लाइक कर दो लाइक कर दो, अरे ना करो जाओ कोनो बात नहीं, देख लेंगे हम भी, पढ़ा देंगे सब ग्रामर गलत तुमको। व्हाई इज थॉमस हार्डी फेमस फॉर, ये किस लिए फेमस थे थॉमस हार्डी? मनाए करो लाइक, मनाए ना करो अपना काम निकाल के चलते बनो, कौन होता है किसका, मैंने देखा बहुत लोगों को यार, तुम लोगों तो कोई बसा ही नहीं है हमारा, अब इन तो स्किप करके निकल लो तुम क्या करेंगे, वही बस सीधी सी बात है, ले यार लाइक करना है करो भैया, ना करो कोई बात नहीं, अरे ना ना करो रहने दो, मानिए एहसान ना करो हमारे, हम साला रात दिन जाग के नोट्स बनाते हैं तुम्हारे लिए, सुबह सुबह 8 बजे चिल्लाने लगते हैं भाई भाई, रात तक करते हैं भौं 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 कुत्ते की तरह, फेफड़ा फुलाते, फेफड़े की बीमारी हो जाएगी हमको है, और ये तुम साला एक लाइक नहीं हो पाता तुमसे, हम तुमसे हे करें भैया लाइक कर दो लाइक कर दो, करो या ना करो। थॉमस हार्डी फेमस फॉर किस लिए बेटा? नॉवलिस्ट थे ये, बिल्कुल ये नॉवलिस्ट थे, बिल्कुल ये नॉवलिस्ट थे, कहीं कोई शंका नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम, क्वेश्चंस बहुत हैं इसलिए तेजी से करते रहे। हु इज द राइटर ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड? ओल्ड इंग्लिश पीरियड के इसमें राइटर कौन है? चार दिए हैं, अल्फ्रेड द ग्रेट है, विलियम शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, लॉर्ड टेनिसन है, तो आप आसानी से इनमें से बाकी तीन को अलग कर सकते हो मेरे ख्याल से। धन्यवाद दरक्षा बेटा, आप बहुत अच्छे हो, ये सब गंदे बच्चे हैं हमारे, सब गंदे हैं, सब गंदे बच्चे हैं, अब सब गंदे नहीं है, सबने लाइक कर दिया, आप कोई गंदा नहीं है हमारा स्टाइल यही है कहने का, हम ये नहीं कर पाएंगे, मेहनत करते हैं को है क्यों करें, हम तो नहीं करेंगे। ए ए उत्तर दिया रहा लॉर्ड, बिल्कुल यही बेटा, ये तो सब, ये देखो ये मिडिल एज के हैं ये दोनों, ये रोमांटिक एज है मिडिल एज, एलिजाबेथन एज है, ये विक्टोरियन एज के हैं, ये हो गए हमारे एलिजाबेथन एली हो गए, और ये हो गए रोमांटिक, ये बहुत रोमांटिक थे, और एलिथर्ड ये हो गए हमारे रेस्टोरेशन के आरिस, तो ये अलग हो गए, तो ये ओल्ड हो गए अल्फ्रेड द ग्रेट। नहीं होगी क्या? नहीं होगी अच्छा अच्छा है भाई। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स? चलो भाई शुरू करो, द पार्लियामेंट ऑफ द ऑफ फाउल्स, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स बोलो, जेफरी चासर, मिल्टन, डिकन्स, शेली,
जेफरी चासर, मिल्टन, डिकेंस, शैली, कौन है? द पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स। 12 बजे आज क्लास है, 12 बजे। गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, यह है अन अकेडमी टीचिंग ऐप पे, टीचिंग टीचिंग ज्ञान, ये टीचिंग ज्ञान पर है, ठीक है ना। और फिर 4 से 5, वही 4 से 5, 5 से 6, और फिर 6 बजे से ऐप पर, 6:10 से ऐप पर। तो ये 3 क्लासेस आज होने वाली हैं टीचिंग ज्ञान पर। आज क्लासेस बहुत कम कर दिया मैंने, और फिर अपने पास तो चली रही है ये, है ना। तो इसमें कौन सा आंसर आंसर आप पालिया, बिल्कुल जेफरी चासर है, कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, 544 का आंसर आपने दे दिया और बिल्कुल सही दिया। हु इज द राइटर ऑफ द कॉमनवेल्थ पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ पीरियड। ये पीरियड्स की क्लास बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी पीरियड्स पे क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्लासेस होने वाली है, क्वेश्चंस तैयार करूंगा। फादर ऑफ रिनेसांस, यस बेटा, इंग्लिश पोएट्री, यस। ये मदर फादर कल मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, ऑल द मदर्स एंड फादर्स, ये बहुत जल्दी, शायद अगले फेस्टिवल में, यूट्यूब के अगले फेस्टिवल में ही मिलने वाले हैं, जो कि अगले ही सप्ताह है, फ्राइडे, फ्राइडे को। साइन उल्फ, दांते, जर्मी टेलर, केडमैन, सी बता रहे हैं आप, जर्मी टेलर 45 का, बिल्कुल सही है ये, जर्मी टेलर एकदम करेक्ट है, आप भी नोट करते रहना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम। वर्सली ब्रे इज कॉल्ड एज, वर्सली ब्रे क्या है, इज कॉल्ड। राजवीर, राजीव भैया, चंदा, हिमानी, वंदना, मंजूर, सबने जवाब दिया है सी, जवाब दिया है वो पहले का था, अभी आप क्या रहे, वर्स लिब्रे क्या है, वर्स लिब्रे किसके लिए होता है, फ्री मीटर होता है, ब्लैंक वर्स होता है, फ्री वर्स होता है, आइम्बिक होता है, क्या होता है। नहीं, नहीं, ये फ्री वर्स होता है, बिल्कुल, ये अमृता चौधरी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये फ्री वर्स होता है, बिल्कुल ये फ्री वर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सही है सबका जवाब, हाँ राइटर कराएंगे, और राइटर करा देंगे, और राइटर करा देंगे, और राइटर करा देंगे। एन एलिमेंट ऑफ द सुपर नेचुरल इज प्रेजेंट इन द पोएट्री ऑफ, एलिमेंट ऑफ सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल किसने अपने पोएट्री में प्रेजेंट किया था, फटाफट जवाब दीजिए आप, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। कॉलेज, यस बेटा, मैं अंजल, बहुत बढ़िया बेटा, मीना अंजल मेरी, ये बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा, और सब यही जवाब देंगे, बिल्कुल किरण बेटा भी दे रहे हैं हमारे जवाब यही, हाँ सब यही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन भी था, और इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल रट जाने चाहिए। टू हिज ह्यूमन टू फॉरगेट डिवाइन, ये बहुत, जितनी मोस्ट फेमस आपने लाइन सुनी है, मोस्ट फेमस जितनी लाइन सुनी है, वो सब एक ही बंदे के हैं जिसकी ये है, मोस्ट फेमस। बीबी लेके आ गया भाई, वो देखो, और बीबी इसकी अब की गई भाग, अब की बीबी गई इसकी, अब की बीबी गई, नहीं भागी कि नहीं भागी, आ बीबी भाग गई अब की, अलेक्जेंडर, हमने कहा जितने मोस्ट फेमस है वो सब अलेक्जेंडर पोप के, सब पोप के, सब अलेक्जेंडर पोप के। अच्छा बी पिछले का तो नहीं बताया थे, अशोकानंद क्लास भी डेली सीक्वेंस में कराओ सर, ठीक है अमृता जी, जो आ गया मेरे बच्चे। सौरभ भैया कई दिन बाद आप दिख रहे हैं क्लास में। एलिजाबेथ इज अ करेक्टर फ्रॉम जेन ऑस्टिन, एलिजाबेथ जेन ऑस्टिन की किस ड्रामा में से है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बेहतरीन ऑप्शंस दिए हैं, आप तुरंत आप इनको लगा सकते हो, एक आंसर आपको मालूम है वो तुरंत बताओ, मैं आगे बढ़ जाऊ।
घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको चारों तरफ से चीजें क्लियर होनी चाहिए। अलेक्जेंडर पोप, बिल्कुल सही था। बीबी हमेशा साथ देती है आजकल की। हाँ बिल्कुल भाई, नहीं साथ देती है, ये नहीं हटाओ तुम अपना, बीबी ही तो छोड़ती नहीं है, बाकी सब छोड़ देते हैं बेटा। बीबी तुम्हारी जान जाने तक नहीं साथ छोड़ेगी, और ज्यादा कहीं कहीं कसर रह गई तो अगले जन्म में फिर मिलेगी। ये हिंदुस्तानी बीबी है मंजूर अहमद, चक्कर में ना पड़ना तो, ये हिंदुस्तानी बीबी है ना, एक आध जन्म छोड़ दो, 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती। अगर ठीक ठाक बंदा मिल गया, कमा खमा कमा वमा खिला दिया, तो अगले अगले जन्म का भी वादा ले लेती, भैया अगले जन्म में यही चाहिए हमका, बात समझ गए। एलिजाबेथ इज अ करेक्टर, आप सभी सही बताए हैं, बिल्कुल प्राइड एंड प्रेजुडिस द करेक्ट आंसर। मैं चलता हूं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आ तो नहीं हुई है शादी, पहले कैसे हो जाएगी 7 जन्मों का सारा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो बिटिया, तो भैया शादी हो जाएगी, पहले शादी लायक तो हो जाओ, पहले पहले नौकरी और फिर छोकरी, तो बिना नौकरी के छोकरी जो है जीना मुश्किल कर देगी तुम्हारा, रो रो के फिर तैयारी करोगे, बीवी से लड़ाई करोगे और रात में बैठ के पढ़ाई करोगे, पहले लड़ाई फिर पढ़ाई फिर लड़ाई, या तो पहले नौकरी फिर छोकरी, नहीं तो लड़ाई पढ़ाई साथ ही चलेगी। जब बीबी कहेगी हमको झुमका ला के दो, तो तुम कहोगे हमारा तैयारी टाइम, हमारा एग्जाम है इसी महीने, तुमको याद पता नहीं है। समझ रहे हैं बेटा। तो व्हाट इज द टर्म फिक्शन, फिक्शन क्या है, फिक्शन कैसा टर्म है, पोएम है, वर्स है, इमेजिनेटिव राइटिंग है या स्टोरी है, तो ये बिल्कुल सी है और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये स्क्रीन पर आपकी। अब बिना नौकरी वाली छोकरी का क्या। हाँ ये बिना नौकरी वाली छोकरी तो कोई छोकरा कोई ना कोई कमा खिलाएगा खिलाएगा, उसको तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ऐसा उसकी गर्ज होगी तो खिलाएगा वो बेचारा कहाँ जाएगा बताओ। फ्रॉस्ट इज अ नेचर पोएट, पोएट ऑफ कंट्री लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा आया है, और जो क्वेश्चन दोबारा आते हैं ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो जानबूझकर विलिंगली डाले गए। सी ऑप्शन बता रहे हैं, पोएट ऑफ नेचर एंड कंट्री लाइफ। ये बेसिकली पोएट ऑफ कंट्री लाइफ थे, ये बेसिकली पहले भी बताया था मैंने, पहले भी यही बताया था मैंने, और फिर से मैं यही बता रहा हूं। नेचर पर कुछ कविताएं इन्होंने लिखी है, लेकिन यहां ऑप्शन जो आपका आयोग ने माना था ये नेट का क्वेश्चन है, तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज ने इसका आंसर माना था नेट का क्वेश्चन है, ये यही माना था, बात समझ गए, यही ऑप्शन माना गया था आपके, ये नेट का क्वेश्चन है बेटा। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने नेट के निकाले पास्ट पेपर से, बिल्कुल आप लायक बन जाओगे बेटा, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, बस किसी लड़के की कमाई नहीं खाना है हमें, आना बेटा अपनी कमाई खाना है, अपने दम पर कुछ मकाम बनाना है, अपना नाम बनाना है, फलाने की बीबी के नाम से जाने नहीं जाना, समझ गए, फलाने की बीबी, यहाँ फलाने का हस्बैंड, फलानी का हस्बैंड के नाम से जाना जाना, ठीक है ना। चलो, हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ लव, पोएट ऑफ लव कौन कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए दोबारा आया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फट से जवाब दो, कीट्स के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। पोएट ऑफ लव, सब चीज से वो प्यार करते थे, किसी लड़की का प्यार उनके नसीब में नहीं था, फैनी ब्राउने से कुछ दिन कोर्टशिप उनकी चली, और उसके बाद वो भी जब जान पाई कि ये मरने वाले हैं साल दो साल में, तो उसका भी रुझान कम हो गया, वो पड़ोस में आकर के इनके रहने लगी थी, तो इनको किसी लड़की का प्यार हासिल नहीं हुआ, तो नेचर से, निर्जीव चीजों से, हर चीज से इन्होंने प्यार किया, और इन्होंने सेंसुअसनेस, इन्होंने सेंसुअसनेस डेवलप कर ली, रोमांस करते थे वो प्रकृति से, ऐसे थे कीट्स, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द रेप ऑफ द लॉक इज, अब ये देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, क्या है ये, कॉमेडी है, एपिक है, पोएम है, नॉवेल है, गंदी गर्लफ्रेंड थी, हाँ ठीक है, जॉन कीट्स ही थे वो बेटा। रेप ऑफ लॉक इज, अब देखो यहाँ राइटर आपको रट गए, इसके कौन है, इसके राइटर के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं,
अब आपको करना ये है कि ये है क्या, एपिक है ये, सी ऑप्शन दे रहे हैं आप हमको 53 का, नहीं ये ए है, हाँ ये मॉक एपिक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, ये मॉक एपिक है, तो एपिक की ही कैटेगरी में आएगा, मॉक एपिक है, अगर ये ऑप्शन एक और होता मॉक एपिक तो वही ज्यादा बेहतर होता बेटा, एकदम एकदम बेटा। जॉन डेने पोएट ऑफ लव है बेटा, हाँ पोएट ऑफ लव है, मेटाफिजिकल पोएट है ना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फादर है, इस तरह के बहुत सारे टाइटल उनके पास हैं, मैंने कल सारे कलेक्ट कर लिए हैं, बस वो जल्दी ही पीपीटी बनने के लिए गया है और बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। साइलेंट वुमेन रिटन बाय, साइलेंट वुमेन किसके द्वारा लिखी गई, साइलेंट वुमेन रिटन बाय, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर के क्वेश्चंस का एक सेगमेंट मैं मॉर्निंग में ही शुरू कर लूंगा, इसी में छोटे छोटे सेगमेंट 40-40 मिनट के कर दूंगा मैं, और एक मॉर्निंग में ही ग्रामर का भी सल्यूट जो रात में 9 बजे करवा रहा हूं मैं, उसको मॉर्निंग में ही ले लूंगा लिटरेचर के बाद तुरंत ग्रामर, है ना बेटा, इसी चैनल पर यहीं पर। बेन जॉनसन आपका उत्तर आया है, बेन जॉनसन 554 का बेन जॉनसन आया बी, और बिल्कुल यही है एकदम सही है, साइलेंट वुमेन के राइटर बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, करवेंटिस इज अ करेक्टर, सर्वेंटिस है सॉरी, ये सर्वेंटिस इज अ करेक्टर किसमें है, ये डॉन रिजॉर्ट में है, अमेला में है, या टिस्ट्रम सैंडी में है, या टॉम जोन्स में, एक इसमें बहुत वेल नोन राइटिंग है टॉम जोन्स, ये उसमें से तो नहीं है, खैर उसको मैंने पढ़ा, बाकी हमने पढ़ी नहीं है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा अपने पास, ये कौन है, ये कौन है, ये बिल्कुल ए है, डॉन किजोट ही है, ये डॉन किजोट ही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आ गया 555 नंबर क्वेश्चन के बाद 556, कपलेट कैन अकर इन, कपलेट किसमें आती है, डॉन किजोट ही सही था बेटा, बहुत अच्छा उत्तर, कपलेट कैन अकर इन किसमें आती है, कपलेट कपलेट किसमें होगा, नहीं बेटा शॉर्ट स्टोरी में नहीं मेरे लाल, ना ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है और ये भी गलत है, देखिए सबने यही उत्तर देंगे, सब यही उत्तर देंगे। अर्चना, राशि, राशि मैम सुबह आ जाती है प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत अच्छा है मैम प्रैक्टिस, इसीलिए ज्यादा सेशन प्रैक्टिस के ही करवा रहा हूँ, सब प्रैक्टिस ही लगा चल रही है, और अपने साथियों को अपने दोस्तों को बता दीजिएगा 11 बजे से प्रीमियर हो रही है क्लास हमारी, बहुत बेहतरीन 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन सुपर टेट, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए, जो भी बच्चे हैं आपको उनको शेयर कर देना है बेटा, और आप लोग जरूर इनको एक बार देख लीजिएगा, आप लोग देखिएगा टाइम निकाल के इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे 15 मिनट का, केवल 15 मिनट का ये प्रीमियर होगा, 15 मिनट का, और 15 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, तो ये शेयर जरूर कर देना, मैं शेयर करूंगा आप लोगों को, अपने साथियों को भी शेयर कर देना, और आप भी क्लास में आ जाना, ठीक है ना। तो कपलेट केवल पोएम में होता है और किसी में नहीं होता, और आपको मालूम है किस पोएम में, ये सोनेट में होता है, ये भी आपको, लॉकडाउन में पार्टी कहाँ है नालायक। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज रिटन बाय, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसने लिखी है, विलियम शेक्सपियर, जॉन बनियान, जॉन ड्राइडन, जॉन लॉक। अरे मंजूर खाली दूर के ढोल सुहावने दिखा रहा है नालायक, कुछ नहीं खिलाएगा पिलाएगा ये खाली झांसे दे रहा है, झांसे झांसे में मत आना इसके भाई, कोई डेली बेसिस पर पीडीएफ डाल दें। अच्छा बेटा देखो मैं कोई इंतजाम करता हूं कि हर वीडियो का पीडीएफ उसके नीचे लगाने का, है ना। गुड मॉर्निंग भैया हिमांशु, आ जा बेटे। बनियान का उत्तर आ रहा है 57 का, बनियान उत्तर आ रहा है 57 का, और बिल्कुल ये करेक्ट आ गया मैडम आपका उत्तर, एकदम जॉन बनियान ही होंगे, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम नहीं ज्यादा देना है, बस फटाफट फटाफट उत्तर देते जाना है। हु इज फॉलोइंग
हु इज द फॉलोइंग, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज, हु ऑफ है, हमारा गड़बड़ था, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज बोथ अ पोएट एंड पेंटर, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन और रट गया ये। ठीक है बेटा मिल जाएंगे, इसकी तुरंत मिल जाएगी, अभी मैं सेंड कर दूंगा जैसे इसके 100, और जो भी ना हो हमको मैसेज कर देना बेटा, हमको बेटा मैसेज कर देना जो भी आपके पास पीडीएफ ना हो, मैं ग्रुप में सेंड करवा दूंगा, ठीक है ना, जो भी आपको पीडीएफ जरूरत हो हमको मैसेज कर देना, ब्लैक के अलावा कोई नहीं है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये आपके स्क्रीन पर, वैनिटी फेयर इज अ नॉवल बाय, वैनिटी फेयर किसकी नॉवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर भूल जाते हैं, हम याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, और इसी तरह से भूले ना, इसीलिए हम ये रिवीजन कर रहे हैं। हम रिवीजन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको भूले ना कुछ। मिर्ची खा लिया, देखो अशोक ने, सी कर रहा है, सी कर रहा अशोक भाई हमारा, आपकी बी हो गया, वो सी था ये बी है, इसके ठाकरे हैं, बिल्कुल बेटा मानवी, बहुत बढ़िया, ठाकरे ठाकरे बहुत अच्छे। नेक्स्ट, रोमियो एंड जूलियट वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेजेडी प्लेज, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेजेडी प्लेज, हाँ थोड़ा गड़बड़ है, यहां पे भरेंगे इसको, यहां पे भरेंगे, आर हैव बीन इज वर्ब, रोमियो एंड जूलियट सी नहीं, बी अशोक बी, अरे अशोक बी इज होगा और कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लोग फटाफट खेलते रहो बेटा, चलो खेलो अगला, खेलो अगला, खेलो, हु इज द राइटर ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, इसमें विलियम लैंगलैंड, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड टेनिसन, आपको मैं तीनों की एज बता चुका हूं, इसकी भी इसकी भी इसकी भी, तीनों की एज बता चुका हूं मैं, बोलो बेटा, तीनों को मैं बता चुका हूं, तीनों को, और बचा जो वही इसमें होगा, कौन होगा, विलियम लैंगलैंड, ये चासर के समकालीन थे, आपको ये पढ़ा चुका हूं मैं, और लगभग उन्हीं के आसपास 38 में इनका जन्म हुआ था और डेथ इनकी बाद में हुई थी। चलो नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मिंस्टर, मिंस्ट्रल का है, मिंस्ट्रल क्या है, अरोमांटिक पोएट है, अ पोएट ऑफ मिनिस्टर है, बर्डिंग पोएट है, मिडिएबल यूरोपियन पोएट है, ये कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका उत्तर चाहिए राजीव भैया फटाफट, बहुत तेजी से आप काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, 35 कल किए थे और 35 दूना 70 होते हैं, पियर्स प्लाउमैन मिनिस्टर, क्या उत्तर दे रहे हो, मैं समझ, राशि ने डी कहा मिडिएबल यूरोपियन पोएट, ये बिल्कुल राशि ने सही कहा, एकदम राशि का उत्तर सही है, करेक्ट। 1400 में स्वर्ग सिधारे, 1400 में चासर, चासर ये दोनों 21 साल गए थे क्या, 2 साल इनसे बड़े थे ये, चासर 40 में पैदा हुए थे और ये 38 में पैदा हुए थे, हाँ, और डेथ शायद एक ही साथ हुई थी, है ना, एक ही वर्ष। हु इज द क्रिएटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, 563 ड्रामेटिक मोनोलॉग के रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये कई बार क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, ये याद हो गया अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारे जवाब दे रहे हैं आप, आज फंसे ही नहीं बिल्कुल आप, आज आप बिल्कुल फंसे नहीं। हुई इज द ऑथर ऑफ सीज एंड डे, सीज द डे, और अगर आप किसी बिना किसी मदद के उत्तर दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं,
अच्छी पोजीशन में है आप, ऑप्टिमिस्टिक क्वैट थे, बिल्कुल 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 आशावादी क्वैट थे ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, बहुत बढ़िया। हु इज द ऑथर ऑफ सीज द डे, सीज द डे के राइटर कौन है? आर्थर मिलर, टेनिसन, साल विलो या नन? भाई तुक्के नहीं लगाओ भाई, ये साल बेलो, ये पहले भी आ चुका हूं मैं बता चुका हूं, साल बेलो। न्यू क्वेश्चन, और न्यू क्वेश्चन जितने आते जाए सब अपने खजाने में शामिल करते जाओ और आगे बढ़ाते जाओ चीजें। शेक्सपियर रोट ब्रिलियो पोएम्स, ब्रिली पोएम्स, अरे हटा देते हैं इसको, वो आंसर वहीं पे आ गया था। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव एंड आई डू नॉट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर, किसकी लाइन सही है? पृथ्वी से ज्यादा प्यार करने लायक और कोई दूसरी जगह नहीं है और मैं नहीं जानता कि इससे बेहतर और कौन सी जगह जहां जाना है। अभी भैंसिया नहीं गई पानी में, चलो बोलो फटाफट। ब्रिचेस, ये नाइन्थ में मैंने ये पोएम पढ़ाई थी ब्रिचेस, और ये ब्रिचेस से ही है। ब्रिचेस का मतलब कांटा, गोखरू होता है, प्रकृति में एक गोखरू नहीं होता, गोखरू टाइप कांटा होता है जो चुभता है पैर में, उसको हम ब्रिचेस कहते हैं। नेक्स्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यस बिल्कुल एब्सोल्युटली। ओ सर सी स्माइल्ड नो डाउट व्हेनेवर आई पास्ड हर, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, दिस ग्रू आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्स टुगेदर। ओ सर सी स्माइल्ड नो डाउट व्हेनेवर I passed her, but who passed without much the same smile, this grew, I gave commands, then all smiles stopped together. This was written by, ये किसकी लिखी हुई है? चलो फटाफट जवाब दो। आपका जवाब आ रहा है टेनिसन, नहा के आ जाएगी, कौन नहा के आ जाएगा? 567 क्वेश्चन नंबर का बी ब्राउनिंग उत्तर आ रहा है, और ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा, आप लोग बिल्कुल जबरदस्त उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, खतरनाक उत्तर दे रहे हो आप लोग, शानदार उत्तर दे रहे हो। व्हाट इज फर्स्ट डिकेड पार्ट ऑफ मॉडर्न एज, आप ये बताओ जो मॉडर्न एज थी, मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, मॉडर्न एज ये कब से शुरू हुई और फर्स्ट डिकेड जो था, पहला दशक, वो किसका, किसके नाम जाना जाता है? एडवार्डियन, जॉर्जियन, पोप और अगस्टा, ये किसके नाम से जाना जाता है? ये किसके नाम से जाना जाता है, पहला डिकेड, फर्स्ट दशक? ए राकेश रत्नेश का उत्तर ए है, जॉर्जियन दूसरा है उत्तर, ये ए ही है, एडवार्डियन, किंग एडवार्ड के नाम पर एडवार्डियन का नाम डाला जाता है। और मॉडर्न एज शुरू कब से हुई, ये आप बताओगे, मॉडर्न एज कब से शुरू हुई ये बताइए हमको। फ्रॉम व्हेन द मॉडर्न एज हैज बीन स्टार्टेड, हैड बीन स्टार्टेड, जल्दी से बताइए। बी नहीं है ये, एडवार्डियन है ये, ए है बेटा, नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, एडवार्डियन है ये, बिल्कुल एडवार्ड, किंग एडवार्ड के नाम से शुरू हुआ था ये, और ये होमवर्क है पूरा, इसको क्लियर करके लाइए, पूरा क्लियर करिए, मैं दो क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ,
वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जरूर, और नहीं क्लियर हो तो बताना आपको। ये 19वीं शताब्दी में शुरू होता है, 1901 से शुरू होता है, मैं हिंट दिए दे रहा हूँ आपको। लीजिए उत्तर आने भी शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल, किरण का उत्तर आया है, बिल्कुल 1900 से शुरू है, समझिए 1900 से। हाँ 20वीं शताब्दी की शुरुआती दशक, एडवार्डियन। और व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द ग्रेट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी? ये बहुत गजब का क्वेश्चन है पीजीटी के लिए, और टीजीटी में आ जाएगा तो कहा पूछ उखाड़ लोगे, कहा कर लोगे, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ओ हेनरी का पुलर पूरा नाम क्या था? क्या सैमुअल बटलर था, या मेजोरी कैनन रॉलिंग था, या वॉल्ट विटमैन था, या सिडनी पोर्टर था? ये नाम आपका सुना सुना हुआ है, और जल्दी जल्दी ही आप इसका उत्तर दीजिए। 1900, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 1900 से ही शुरू हुआ है, बिल्कुल। इसमें वॉल्ट विटमैन बताया जा रहा है, वो है नहीं, वॉल्ट विटमैन तो अलग ही थे, बिल्कुल 69। ये विलियम सिडनी पोर्टर थे, बिल्कुल बेटा, विलियम सिडनी पोर्टर का नाम ओ हेनरी था, सिडनी पोर्टर, बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप आर पोएट्स? अब बिल्कुल जूनियर से तक के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप आर पोएट्स, किस तरह के पोएट्स थे? ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप, ये दोनों समकालीन थे, जानते हैं आप ड्राइडन को भी और अलेक्जेंडर पोप को भी। न्यू क्लासिकल, एलिजाबेथन, विक्टोरियन, मॉडर्न? मैं जल्दी एक लेसन तैयार करता हूं इस तरह का, वॉयस से रिलेटेड। 570 नंबर क्वेश्चन, 570 नंबर क्वेश्चन, ये न्यू क्लासिकल है, बिल्कुल न्यू क्लासिकल है ये न्यू क्लासिकल। और अब आपकी क्लास मैं आज खत्म करूंगा, 30 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, कल करवा के ये पीडीएफ आपको दे दूंगा। आपके पास जो भी पीडीएफ ना हो आप तुरंत मुझे मैसेज करें 70230 पर, 30918 पर, 30918 पर, ठीक है ना? मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको मुझे आप बिस्वानी सर के नाम से आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी का मतलब बिस्वानी सर के नाम से आप टेलीग्राम पर, फेसबुक पर भी चाहें तो, हालांकि वहां मैं जाता नहीं कभी, फेसबुक बहुत बनावटी लगता है मुझे एकदम, तो फेसबुक मैं बहुत ज्यादा चलाता नहीं। हालांकि कुछ पोस्ट मेरी पड़ी है, बहुत सारी पोस्ट पड़ी है, मैं 2-3 साल बहुत इंटरेस्टेड रहता था, मैं थोड़ा मन भर गया फेसबुक से, मेरा मन नहीं करता फेसबुक। 3 रॉन्ग हुए, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे तो मैं गुस्सा आ जाऊंगा। अभी 52 लोग, 53 देख रहे हैं, 52 लाइक किए हैं, ठीक रेशियो है, कोई समस्या नहीं है। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को अपने दोस्तों को। और अभी ठीक 11 बजे प्रीमियर होने जा रहा है यूपी टेट और सुपर टेट के 500 क्वेश्चंस की बेहतरीन सीरीज, और मेरा ये दावा है कि यही 500 क्वेश्चंस आपको इतने कॉन्सेप्ट्स दे देंगे कि आपका बेस सुपर टेट और यूपी टेट के लिए बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। ठीक है।